3.1 क्वेश्चन नंबर 7 इन एबीसी ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बाइसेक्ट एओ और एंगल बी बाइसेक्ट बीओ हाँ इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम एंड एंगल सी इज 70 वेयर टू फाइंड आउट एओ बी दिस एंगल ओके तो ये अगर बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड होगा मतलब फॉर एग्जांपल एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी ए एंगल और ए एंगल अगर इसको हम लोग ने एक्स पकड़ा फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग ने लिया अभी सेम ए सेम है सी ए ओ सी बी ओ सॉरी ए ओ बी सी बी ओ और एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू वाई पकड़ते हैं ठीक है तो अभी क्या हुआ एंगल सी ए बी कितना होगा एंगल सी ए बी कितना है तो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी ए एंगल और ए एंगल मिलके सी ए बी है कि नहीं हाँ इसका मतलब क्या ए एक्स और ए एक्स कितना हुआ 2x हो गया किसका सी ए बी का अभी सेम सी बी ए सी बी ए कितना है एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ बी ए हाँ ए एंगल और ए एंगल मतलब क्या है y प्लस y कितना हुआ 2y बराबर अभी बड़ा एंगल देखते हैं ए बी सी अभी ए बी सी में तीनों एंगल का टोटल 180 होगा क्योंकि हम लोग ने वो थ्योरम पढ़ा ये सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ एंगल्स इज 180 इन ट्रायंगल कौन कौन से नाम लिखो ए बी सी लाइन में लिखते चलो ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 क्या लिखोगे थ्योरम लिखना है हाँ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 अभी ए बी सी में ए बी सी कितना है ए बी सी कितना है अपना हाँ इधर है ना ए बी सी या बी सी बी कितना है 2y प्लस एंगल बी सी ए तो बी सी ए कितना है 70 उन्होंने दिया है प्लस सी ए बी कितना है 2x इज इक्वल टू कितना हुआ 180 हो गया तो अभी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 ये 70 उधर जाके माइनस हो गया हाँ अभी यहाँ पे 2 कॉमन निकलते हैं x प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 110 तो x प्लस y इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया तो कितना बचेगा 55 तो आपको क्या मिला x प्लस y का वैल्यू मिला फिर थर्ड हम लोग का स्टेटमेंट ए हो गया ठीक है अभी हम लोग छोटा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी वी हैव टू फाइंड आउट ए ओ बी ओनली राइट हाँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 रीजन वही है हाँ सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 अभी ए ओ बी तो हमें फाइंड आउट करना है हमारे पास नहीं है ओ बी ए कितना है वाई है और बी ए ओ कितना है एक्स है इज इक्वल टू 180 तो एंगल ए ओ बी प्लस एक्स प्लस वाई ये उल्टा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 है ना तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई को उधर माइनस कर दे अभी एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 55 है ना तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 फ्रॉम 3 से हम लोगों को पता चल रहा है 55 है बराबर तो अभी यहाँ पे एंगल ए ओ बी कितना आएगा 5 2 1 125 मिल गया आंसर ऐसे हमें इजी है करने के लिए वैसे करना पड़ता है